हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गामका मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं और आप इंडिया में गामका मेडिकल करा रहे हैं, या आप ओमान के अंदर हैं और ओमान में आपका वीज़ा जब रिन्यूअल होता है तो फिर से यहाँ पे गामका मेडिकल का टेस्ट किया जाता है। और आपका टेस्ट जब पास हो जाता है, यानी कि टेस्ट आपका फिट हो जाता है, तो आपको फिर से वीज़ा रिन्यूअल हो जाता है। तो दोस्तों, वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए गमका मेडिकल ज़रूर कराना पड़ेगा, या नया वीज़ा इशू कराने के लिए आपको गमका मेडिकल कराना ही पड़ेगा, ताकि आपको वर्क वीज़ा 2 सालों के लिए मिल सके। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि क्या गमका मेडिकल कराना ज़रूरी है वर्क वीज़ा के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, और आपको गमका मेडिकल करा के आपका गमका मेडिकल फिट होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा नया मिलेगा या आपका वीज़ा रिन्यूअल होगा। आप ओमान में, कुवैत में या सऊदी में कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ आपको गमका मेडिकल कराना होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट हम जान लेते हैं कि गमका मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। दोस्तों, कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं गमका मेडिकल कराने के लिए गया था और मैं ये कल का गमका मेडिकल कराया हूँ, और आप कुछ तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं। मैं एक गमका मेडिकल ओमान में कराया ताकि मेरा वीज़ा रिन्यूअल हो सके। तो दोस्तों, मेरा गमका मेडिकल हो गया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरा गमका मेडिकल फिट हो गया। तो आप भी दोस्तों, इस तरह से आप गमका मेडिकल के लिए जाते हैं और इस तरह से मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, आप इस तरह से कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो गमका मेडिकल फिट होने में। जी हाँ दोस्तों, 100% चांस रहेगा आपका गमका मेडिकल फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ओमान में है या आप इंडिया में हैं तो भी वीडियो को पूरा देखिएगा। इंडिया से आप कभी भी गमका मेडिकल करा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ इसी तरह से सेम सेम प्रोसेस रहता है, और यही सब चेक होता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा गमका मेडिकल तो हो गया, मेडिकल सेंटर पे मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद मेरा पहले नंबर तो मेरा ब्लड लिया गया। वहाँ पे गया तो ब्लड लेने के बाद फिर से गया तो मेरा बीपी चेक किया गया, और बीपी चेक करने के बाद मेरा हाइट और मेरा वजन ये चेक किया गया। उसके बाद से दोस्तों, मेरा आँख का टेस्ट किया गया। दोस्तों, आँख का टेस्ट किस तरह किया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीछे में जैसे कि लिखा हुआ था 1 2 3 छोटे अक्षर में, और थोड़े बड़े अक्षर में भी था, और उसके बाद से ABCD इस तरह से कुछ अंक लिखे हुए थे। और तो उसको आपको आईना में देख कर बताना पड़ता था, जैसे कि सामने आईना यानी कि शीशा रखा हुआ था और पीछे में अंक लिखा हुआ था। तो हमको इस एक आंख को बंद करके उस नंबर को, पीछे वाला नंबर को हमको बताना पड़ता था, और फिर इसको बंद करके इससे देखना पड़ता था। दोस्तों, आपको बता दें, कभी भी आप जा रहे हैं मेडिकल कराने के, तो ये आँख को बिल्कुल दबा कर मत रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके रखिए, ताकि आप फिर इस आँख को खोल के इस आँख से देखेंगे तो आपको जस्ट तुरंत दिखाई देगा। नहीं तो कस के दबा कर रखेंगे इसको तो आपको आँख में पूरा झुनझुनी रहेगा, तो आप बिल्कुल थोड़े देर के लिए नहीं देख सकेंगे बराबर तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी करा रहे हैं मेडिकल तो आँख का टेस्ट में इस तरह का जो मैं पॉइंट बताया हूँ उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, साथ में बता दूँ कि उसके बाद से मेरा एक्सरा लिया गया। तो दोस्तों, एक्सरा कराने से पहले आप 1-2 गिलास पानी जरूर पी लीजिएगा, ताकि आपके एक्सरा में जो भी मतलब क्लियर आएगा। बहुत सारे भाई रहते हैं जो कि ऐसा करते हैं, जिनको मालूम नहीं रहता है, वो खाली पेटे ही कराते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों, कभी भी मेडिकल कराने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप भर पेट खाना खाकर मत जाइए, बिल्कुल खाना बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ी बहुत नाश्ता कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप भर पेट खाना मत खाइए मेडिकल कराने से पहले। मेडिकल हो जाता है उसके बाद से आराम से खाना खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जिस तरह से मैं बताया कि क्या क्या टेस्ट होता है, लगभग यही टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट किया जाता है, और यूरिन टेस्ट करने के बाद हाइड्रोसिल का भी टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको भी देखा जाता है कि हाइड्रोसिल कैसा है, मतलब बड़ा है या नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपका हाइड्रोसिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसको ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन करा कर फिर से आपको आना पड़ता है यहाँ पे चेक कराने के लिए गमका मेडिकल में। तो वो देखते हैं तो परफेक्ट रहता है, तो फिर आपका मेडिकल फिट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप इंडिया में अगर मेडिकल करा रहे हैं या आप ओमान में करा रहे हैं तो लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है, इस तरह से गमका मेडिकल का प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ जानकारी पाए होंगे, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।